कैप्टन दीपक चौहान को ज्वालामुखी ब्लॉक कांग्रेस की कमान सौंपी गई। इन्हें ज्वालामुखी ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने इसकी पुष्टि की है। ज्वालामुखी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने पर ज्वालामुखी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर को जताया आभार। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि दीपक चौहान के अध्यक्ष बनने से ज्वालामुखी में कांग्रेस पार्टी की ओर से मजबूती मिलेगी। सभी कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। के बारे में बताया कि भाजपा दुष्प्रचार कर रही है, तो किस तरह का दुष्प्रचार कर रही है? दुष्प्रचार वो बहुत तरीके से कर रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल का ले लो, पहले इन्होंने बोला कि ये तो पैसा हमने लाया और हम ये हॉस्पिटल को नीचे लाएंगे, और सी बहुत सी योजनाओं को, हमारे ही योजनाओं को इन्होंने के यूज करके उसको ही और उनको रोकने का प्रयास किया, जो कि इन्होंने अपने 5 साल के अंदर जितना भी इन्होंने पैसा सरकार से सेंक्शन किया, हमारे पास उसका एक सरकारी एक पूरा इसकी फाइनेंस की एक जो प्रतिलिपि है पूरी उसका 5 साल का, वो हमारे पास मौजूद है। अगर किसी ने कोई भी कुछ आप देखना चाहते हो तो हम आपको कितना पैसा कब और किस के लिए और किस हेड से सेंक्शन हुआ है वो हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं। ये बीच पर बीजेपी के लोग जो हैं ये ज़्यादा उछल कूद रहे हैं। ये हर चीज़ के लिए नेहरू को जिम्मेवार ठहराते हैं। जब भी कोई गलतियां होती हैं तो उन्हें महंगाई जो है नेहरू छोड़ गए और पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है तो आपके हाथ में क्या है? आप अभी आपने जितना भी जो गवर्नमेंट का जो इतना RBI में जो आपात स्थिति के लिए जो धन था 1,76,000 करोड़ रुपया उन्होंने निकाल लिया, और आपने ये भी सुना होगा कि कितने RBI के गवर्नर उर्जित पटेल और दूसरा रघु राजन सब ने रिजाइन दे दिया, लेकिन लिखा उन्होंने व्यक्तिगत, लेकिन व्यक्तिगत कोई ये नहीं थी, और उन्होंने अपने ही गुजरात के राकेश अस्थाना को पूरा एक संयोजित ढंग से जितने भी केस थे अपने बीजेपी के अगेंस्ट में उनको सबको रफा दफा करने के लिए और अपने विरोधियों को जेल में डालना इनका मुख्य ये रहा है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आप देखिए ये DG बन जा रहा और वो अमित शाह जी जेल में थे उनको छुड़ाना, ये सब इनका एक और लालू को अभी चिदम्बरम को अभी जो भी है नेता जो भी इनके विरोध बोलने वाले हैं उनको भी ये इस तरह से और गलत यहाँ भी ग्रास रूट पे भी लोगों को बहका रहे हैं कि हमारी पार्टी से जुड़ो, ऑनलाइन मिस कॉल देके सदस्यता ले रहे हैं लोगों से और अलग तरह का माहौल मॉब लिंचिंग है। किस तरह के आप लगा लो, आप आज आपको कोई 4 आदमी मिलके मार दें आपका कोई पूछने वाला नहीं है। हमें किसी BJP से कोई पर्सनल ये नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई विचारधारा की है। हम BJP के लोगों को भी जो हमारे उनसे सताए हुए उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और अपनी पार्टी की विचारधारा उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और आपने 5 साल का पीछे का विकास आप सभी पत्रबंधु जानते ही हैं, आप इसको मतलब पॉजिटिवली और अच्छे मतलब हमारी जो कोई किसी से दुर्भावना नहीं है, जैसे होता है ना कि हम विंडिक्टिव कोई ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते कि किसी को आदमी को गलत या इन्होंने 5 साल में कोई ऐसा आपके संज्ञान में कोई काम हो। आज भी लोग इनके पास काम के लिए आ रहे हैं, जो लोग वो झांसे दिए थे अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, सब काम स्टॉप है और उनके लोग आपस में लड़ लड़ के आपस में ही दो धड़े हुए हैं। गौशाला इन्होंने खोली उसको बोलना कि हम खोली हुई उसको चालू नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा कहने का आप यही तात्पर्य है कि हमने सभी संगठन को जो हमारे लोग हैं उनको ग्राउंड रूट से निकाल के सब से मिल के संगठन को मजबूत करना है और अपने प्रदेशाध्यक्ष के जो भी गाइडलाइन है उनके मुताबिक हमने सबको लेके चलना है ताकि हमारी कांग्रेस पार्टी भविष्य में मजबूत हो।